अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एनीमे एंड कार्टून में बेस्ट कौन है, तो आपका भी आंसर होगा एनीमे, क्योंकि एनीमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कार्टून्स उतने ज़्यादा पॉपुलर हैं नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताऊंगा कार्टून एंड एनीमे के बारे में, बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो हमारे चैनल का एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एनीमे एंड कार्टून का मतलब बता देता हूँ। देखो, जो इंडिया में एनिमेशन होता है उनको हम लोग कार्टून बोलते हैं। एकदम मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि जो इंडिया में बनता है वो भी एनिमेशन ही है, पर वो होता है कार्टून। पर जो जापान में बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एनिमेशन या फिर एनीमे, क्योंकि जापान वाले लोग शॉर्ट में इसको एनीमे बोलते हैं और हम सब भी इसे एनीमे ही बोलते हैं। पर अगर US वाले कोई चीज़ एनिमेट कर रहे हैं तो वो हम लोग बोलेंगे US एनिमेशन। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि जापान के जो शोज़ हैं जैसे कि पोकेमोन और भी जो बहुत बड़े बड़े शोज़ हैं, हम लोग बोलते हैं उनको जापानीज एनिमेशन। उसके बाद जो पॉपुलर शो हो गए जैसे कि बेंटेन, उनको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन एनिमेशन। और जो इंडिया में बनते हैं उसे हम लोग कार्टून ही बोलते हैं या फिर इंडियन एनिमेशन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको सिंपल में बता दिया कि कार्टून हम लोग उसको बोलते हैं जो इंडिया में बनता है, और एनिमेशन हम लोग जो जापान में बनता है उसे बोलते हैं, और US में जो बनता है उसे US एनिमेशन हम लोग बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कार्टून्स के बारे में, तो कार्टून्स में काफ़ी सारे शोज आते हैं जैसे कि किमोनाचे, मोटू पतलू, कृष्णा, छोटा भीम और भी कई सारे शोज। और एनिमेशन में तो आपको पता है पोकेमोन, डोरेमोन, बेंटेन, सिंचैन, काफ़ी सारे शोज एनिमेशन में आते हैं। तो इंडिया में जो चैनल्स है जैसे कि निकलोंडियन, सोनिक, इसके अलावा कार्टून नेटवर्क, पोगो, तो यहाँ पर जो टॉप 5 रेटिंग्स था या फिर TRP था, तो मैं आपको टॉप 5 अगर चैनल्स के बारे में बताऊँ तो नंबर 1 पर निक था, नंबर 2 पर सोनिक निकलोंडियन था, 3rd पर हमें हंगामा देखने को मिला, 4th पर पोगो, एंड 5th में हमें डिज्नी चैनल देखने को मिला। तो ये कुछ 5 शो हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इसमें से 4 जो चैनल्स है उसमें ज़्यादातर एनिमेशन ही दिखाया जाता है, सिर्फ पोगो में कभी कभी देखने को मिलता है हमें कार्टून्स। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एनिमेशन का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। और हम सभी को यह चीज़ पता है कि जो कार्टून्स होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। आखिर छोटा भीम एक लड्डू खाने से कैसे पावर उसके अंदर आ जाता है? आखिर मोटू पतलू में मोटू समोसे के सैंड से उड़ने कैसे लगता है? आखिर मोटू को समोसे खाने से इतना ज़्यादा पावर कैसे आ जाता है? तो इन सब चीज़ को लगता है कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। पर अगर आप लोग बेंटेन को देखो तो वहाँ पर एक ऐसा वॉच है जिससे कि वह अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आप लोग पोकेमोन्स को देखो तो पोकेबॉल नाम का एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोकेमोन्स को पकड़ता है और उन दोनों को लड़वाता है। तो गाइस, एनिम जो है वह कार्टून से बहुत ज़्यादा आगे है। 1961 में जो जापान है उसने अपना सबसे पहला टेलीविज़न एनिमेशन शो स्टार्ट किया था, प्रीमियर किया था, जो कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा गाइस, इंडिया में जो एनिमेशन था वो बहुत आगे से चलता आ रहा है, पर उतना ज़्यादा कभी भी ग्रोथ नहीं मिला, उतना अच्छा रेटिंग्स नहीं मिला। कहा जाता है इंडिया में कलकत्ता में 1934 को स्टार्ट किया गया था एनिमेशन बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर गाइस मैं आपको बताऊं इंडिया में कौन सा वो कार्टून है जो कि नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर आप लोग शायद शौक हो जाओगे कि टॉम एंड जेरी वो एकमात्र ऐसा शो है जिसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक एनिम शो के बारे में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस एनिमेशन शो को देखा जाता है, तो डोरेमोन नंबर 1 पर बैठा है कि सबसे ज़्यादा जो TRP है वो डोरेमोन को मिलती है एनिम में, और कार्टून में मिलती है टॉम एंड जेरी को। इसके अलावा अगर मैं आपको टॉप 10 लिस्ट बताऊं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चे लोग क्या पसंद करते हैं, तो नंबर 1 पे तो मैंने आपको बता दिया डोरेमोन, उसके बाद टॉम एंड जेरी, पकड़म पकड़ाई, मिस्टर बीन, बेन 10, रोल नंबर 21, डोरा द एक्सप्लोरर एंड सैली बॉलीवुड। इतने कुछ 10 ऐसे शोज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा एक ऐसा शो था जो कि बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट हमें देखने को मिलता था, वो था सिंचैन। सिंचैन में कुछ ऐसे एपिसोड्स के सीन दिखाए जाते थे, भाई साहब, बच्चों के लिए नहीं, वो तो बड़े लोगों के लिए भी देखना थोड़ा सा मुश्किल ही था, क्योंकि बच्चे लोग इतने गलत चीज़ें कैसे देख सकते हैं। इसीलिए इंडिया में सिंचैन को बैन कर दिया गया था।
तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या फेवरेट है, एनिम शो या फिर कार्टून। देखो जो इंडिया में कार्टून्स बनते हैं वो कहीं से भी बुरे नहीं है, पर देखो कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। अब छोटा भीम लड्डू खाएगा तो बच्चे लोग क्या सोचेंगे, मैं भी लड्डू खा के ताकतवर बन जाऊंगा। वो भी किसी से भी लड़ जाता है छोटा भीम, तो क्या बच्चे लोग भी किसी से भी लड़ जाएंगे? तो ये सब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में भले एनिम शो ज़्यादा पॉपुलर है, पर हम सभी को ये चीज़ पता है कि कार्टून्स भी कहीं ना कहीं आगे आ जाएंगे फ्यूचर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।